أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم again I welcome to all of you on the platform of CSS Brainery this is Agha Sharia Khan I belong to the Fatih CTP and currently located in Pakistan Audit and Account Service we are conducting the demo and orientation sessions for current and Pakistan Affairs batch 9 that is going to start from March 1 उसी सीरीज में एक कल लेक्चर हुआ था ऑन द टॉपिक ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी पॉलिटिक्स द रीसेंट विजिट ऑफ इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू रशिया एंड द बायलेटरल रिलेशंस बिटवीन द रशिया एंड पाकिस्तान उसके हवाले से है. आज जो है वो एक जर्नल नेचर का जो है वो सेशन है अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स इन पाकिस्तान अफेयर्स पर्टिकुलरली given time frame for CSS 2022 जो के मई में होने जा रहा है उस हवाले से उसकी पूरी मेथडोलॉजी स्ट्रेटजी प्रिपरेशन रोड मैप उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह tomorrow that is going to be our last lecture of this 3 day series and is based on the review of the book a very important book inshallah I will announce in the end of this session rules regulations is session ke wahi honge. If you have any question, you can ask in the chat and I will give you 5 to 10 minutes to unmute yourself and ask your queries. Kindly limit yourself to the subject of current affairs and Pakistan affairs. If you have any question other than that, feel free to WhatsApp your queries to me and inshallah I will reply all of your questions regarding CSS and PMS preparation. Jin bachcho ko voice ka issue hai, wo apni settings check kar lein aur usko jo hai वो सही कर ले. ठीक है चले जी. दैट इज गोइंग टू बी आवर मेन थीम मेन एजेंडा ऑफ टुडे सेशन एंड दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स इन 50 डेज टाइम फ्रेम विदाउट रीडिंग अ सिंगल बुक अ न्यूज़पेपर अ मैगजीन एंड नोट्स. ठीक है क्योंकि जब भी करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स की बात आती है बच्चे न्यूज़पेपर्स की तरफ या मैगजीन्स की तरफ या जो है वो रेडीमेड नोट्स की तरफ भागना शुरू कर देते हैं. आज का पूरा एजेंडा यह है कि ये जो 50 डेज हैं हमारे पास या जो मई में पेपर हैं लेकिन हम करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स के लिए 50 डेज रख रहे हैं इसकी तैयारी इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे किस तरह की जा सकती है कि हमारी इनपुट जो है वो कम लगे और आउटपुट हमें ज्यादा मिले यानी हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए. ठीक है ना पूरी प्रिपरेशन का मकसद हमारा ये होता है कि इनपुट कम दिया जाए और आउटपुट किसी तरह ज्यादा मिले. ठीक है ना अगर हम बाकी की चीजें करंट अफेयर्स पर ही टाइम लगा देंगे और बाकी के ऑप्शनल्स वगैरह भी हैं तो हमें एक जो है वो मैनेज टाइम देना है. तो आज का पूरा सेशन ये है कि आप किस तरह कम पढ़कर अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं 50 डेज के अंदर एंड इट इज नॉट क्लीन. इंशाल्लाह आज की जो है वो मैं पूरी स्ट्रेटजी आपको इंशाल्लाह ये शेयर करूंगा. सो आवर जर्नी ऑफ 50 डेज प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. ये जो आज का सेशन है थो इट इज एन ओरिएंटेशन सेशन इट इज अ काइंड ऑफ अ डेमो सेशन yet it is the part of this journey. ye aaj ka din shayad wo bacche jo shayad session ko join na kare to unko ye samajhna nahi chahiye ki ye sir shayad koi orientation le rahe hain or it is just attraction. it is a part of 50 days journey. aaj hum jitni bhi cheeze cover karenge wo samjhiye hamari pehla lecture hai 50 days journey ka करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की प्रिपरेशन का. तो जो हमारी जर्नी है जो हमारा प्लानिंग है या जो हमारी प्रिपरेशन फेज है वो आज के दिन से स्टार्ट है. हमारी जर्नी का आज पहला दिन है करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स प्रिपरेशन का जिसमें हम विदाउट कोई बुक पढ़े कोई मैगजीन पढ़े कोई न्यूज पेपर पढ़े अपने पूरे कोर्स को कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे. एज फार एज द फीस वगैरह इज कंसर्न एंड में ये सब बातें करेंगे. अभी सिर्फ आपने सेशन सुनना है उसके ऊपर गौर से तवज्जो देनी है और जो है उस पर आपने तवज्जो देनी है. बाकी सारी चीजें इंशाल्लाह डिटेल में आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी. ठीक है जी तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ.
प्लेज अंडरटेकिंग या एग्रीमेंट या कोवेनेंट जो आप लोगों के साथ मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 50 डेज की जर्नी है हमारी जो बच्चे होंगे इट इज अ कॉम्प्रेहेंसिव कोर्स इंस्टेड ऑफ अ क्रैश कोर्स, यानी जो 50 डेज में इट इज नॉट अ क्रैश कोर्स जिसमें हम लिमिटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा. नो, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, ठीक है, जिसमें हर टॉपिक को कवर किया जाएगा, चाहे वो सोशल डायमेंशन से लिया गया हो, इकोनॉमिक फैसेट का हो, पॉलिटिकल स्फीयर से लिया गया हो, या नेशनल या इंटरनेशनल टॉपिक से लिया गया हो. इट इज अ कंप्लीट जर्नी, इट इज अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. नेक्स्ट जी, यू कैन अटेम्प्ट कॉम्प्रिहेंसिवली ऑल फोर क्वेश्चंस इन एन एग्जाम. ये मैं ना सिर्फ आपको बताऊंगा बल्कि पीछे के पास पेपर्स भी आपको दिखाऊंगा, चाहे वो 2021 का हो, चाहे वो 2020 का हो, 2019 का हो, या अभी रिसेंटली इसी महीने में जो 2021 का सीसी का सिंध का पेपर हुआ है, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का, वो आपको पेपर दिखाऊंगा. आपको अपना कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप शेयर करूंगा, आप दोनों को कंपेयर करिएगा, खुद से फैसला करिएगा कि क्या वो बच्चे चार क्वेश्चंस कंप्लीटली अटेम्प्ट कर पाए या नहीं कर पाए. इसी तरह जब इंशाल्लाह आप 2022 के पेपर में जाके बैठेंगे और करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर आपके सामने आएगा, इंशाल्लाह यू कैन अटेम्प्ट ऑल फोर क्वेश्चंस इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे, चाहे इस टाइम के ऊपर आपको करंट पाकिस्तान अफेयर्स का एक लफ्ज भी ना आता, ठीक है ना. आपको करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पता, कोई मसला नहीं है, आप पेपर में चार के चार सवाल अटेम्प्ट करेंगे. और ये मतलब नहीं है कि आप पूरे जो है वो आप सिर्फ जो है वो करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे, नहीं. रिक्वायरमेंट क्या है इस 50 डेज जर्नी की, ओनली यू हैव टू गिव 2 आवर्स to the subjects of current affairs and Pakistan affairs. In 50 दिनों में आपको रोजाना सिर्फ 2 घंटे इन दो सब्जेक्ट्स को देने हैं, जो कि एक बहुत appropriate टाइम है, एक बहुत एक मिनिमम जो है वो टाइम फ्रेम है जो आप इस सब्जेक्ट को देंगे. आप देखेंगे आपका कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर होंगे, ना सिर्फ प्रिपेयर होंगे, आप बड़े आसानी से चार सवाल अटेम्प्ट करेंगे पेपर में जाके. तो ये जो मैंने चीज लिखी है इसका ये मतलब नहीं है कि सर पूरा पूरा दिन पढ़ेंगे, नहीं, सिर्फ 2 घंटे आपने देने हैं इन दो सब्जेक्ट को. 50 दिन के अंदर आपके ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे. योर अंडरस्टैंडिंग इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी. आपको चीजें टिप्स के ऊपर होंगी, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो, बजट हो, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हो, अंडरस्टैंडिंग की पॉइंट है. एनालिसिस जो है वो वाजे होना चाहिए. एक दफा आपकी अंडरस्टैंडिंग आ गई, आपको चीजों का पता चलने लग गया कि अच्छा जी ये यूएस जो है वो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ब्लॉकिंग जो है वो किस तरह से बन रही है, किस तरह जो स्ट्रेटेजिक टेक्टोनिक प्लेट्स है वो मूव कर रही है, कौन सा ब्लॉक कहाँ मूव कर रहा है. एक दफा अगर आपको ये गेम समझ में आ गया, चाहे कोई भी सवाल आए, आप बड़ी आसानी से जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं. एक दफा अगर आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी समझ में आ गई, उसके बूम और बस साइकिल समझ में आ गए, आप इकोनॉमी के ऊपर कोई भी सवाल है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है. एक दफा आपको पाकिस्तान के गवर्नेंस क्राइसिस को सही तरह समझ में आ गए, यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन ऑन दैट, ठीक है ना. तो ये अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे रट्टा मार रहे होते हैं, काफी चीजें कर रहे होते हैं, इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग. सेम इज द केस विद पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही चीजें हैं, वही मसले हैं. यस, कुछ नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज हैं जिसको डिस्कस करना पड़ता है इन द बैकड्रॉप ऑफ कंटेम्प्रेरी स्टैटिस्टिक्स, कंटेम्प्रेरी डेटा एंड कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स. कोई चीजें नहीं होती, ठीक है ना. यूक्रेन रशिया का अगर आप कॉन्फ्लिक्ट ले लें तो ये 2014 से चला आ रहा है, या उससे पिछले से. मैंने कल भी बात बताई थी, 2004 में आपके जो है वो ऑरेंज रेवोल्यूशन आया, फिर 2014 में क्रीमिया को इन्वेट किया. तो ये तो पुरानी चीज है. नई चीज क्या होती है कि आप उसकी उसको कंटेम्प्रेरी हैपनिंग्स के अंदर डिस्कस करें, और वो ही मेरी पूरी जो है वो अटेम्प्ट होती है, पूरी जो कोशिश होती है कि उस टॉपिक को करंट अफेयर्स का या करंट टच देकर आपको समझा दिया जाए. लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग जब ही क्रिएट होगी जब आपको पूरी चीजों का पता हो कि अच्छा ये चीज हो रही है, इस तरह चीजें जो है वो अनफोल्ड हो रही हैं. फिर इफ एनी सिंगल स्टूडेंट फील्स दैट ही शी वोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम द कोर्स, वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, लेक्चर विल बी रिपीटेड. जहां तक अंडरस्टैंडिंग का ताल्लुक है, इन द एंड
इंशाल्लाह कोई भी एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो ये कह पाए कि सर हमें या तो कोर्स से फायदा नहीं हो या आपका कोई लेक्चर जो है वो हमें समझ में नहीं आया। मैंने कहा था कि 100 पार्टिसिपेंट्स की कैपेसिटी हो जाएगी, अभी भी 100 पार्टिसिपेंट है, तो जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए वो उनका कसूर है, क्योंकि मैंने कहा था कि आप थोड़ी देर पहले से ही प्रेजेंट रहिएगा। एनी हाउ आपको इसका भी कुछ तरीका करेंगे कि आपको जो लेक्चर्स मिस हुए वो भी आपको चीजें प्रोवाइड कर ली जाए। सो 50 डेज जर्नी किस तरह करना है, किस तरह कोर्स कंप्लीट होगा, आपसे सिर्फ एक चीज डिमांड है, वो है आपके 2 घंटे डेली की बेसिस पे, एंड दैट इज इट। एंड यू विल इंशाल्लाह गेट योरसेल्फ प्रिपेयर इन अ कॉम्प्रिहेंसिव योर करंट एंड पाकिस्तान अफेयर्स। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ, इसी के ऊपर पूरा बेस्ड है आज का लेक्चर। रियल एजेंडा यही है कि सर करना किस तरीके से है। आपने बात तो कर दिया कि ये होगा कि होगा, करना किस तरीके से है, ठीक है। और जो कि ये जो हाउ का जो मैं आंसर देने जा रहा हूं, वही जो हमारा कोर्स है जो मार्च 1 से इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहे हैं, बैच 9 जो कि मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच होने वाला है, उसी का हाउ का आंसर उसी बैच के अंदर है, ठीक है ना। यानी जो मैं ये हाउ का आंसर देने जा रहा हूं कि आपने किस तरीके से करना है, वो उसी के बैच के फीचर्स बेसिकली मैं आपको अनफोल्ड करने जा रहा हूं। और जो बच्चे नहीं भी ज्वाइन करेंगे बैच, वो इन इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अपनी प्रिपरेशन को पैटर्न करें। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द फर्स्ट सेशन शुड बी ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस। सबसे पहले आपने करंट और पाकिस्तान अफेयर्स की प्रिपरेशन में जो काम करना है वो करना है आपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। That is why I said in the start of the session that the journey of 50 days is starting from today. क्योंकि आज के lecture का जो later part है उसके अंदर हम syllabus को ही understand करने की कोशिश करेंगे। तो पहला इस course का जो best feature है वो syllabus को understand करना है। आप दूसरी teachers के पास जाएं, academies, institutions या बच्चे खुद से भी जो current affairs, पाकिस्तान affairs की preparation करते हैं, वो just आ जाओ, एक second दीजिएगा मुझे, मुझे सिर्फ कप दे दो, बस प्लेट वगैरह ले जाओ, थैंक यू। अच्छा सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा मैं कह रहा था कि बच्चे फौरन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं कि भाई पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन कर लेते हैं, पाकिस्तान रशिया कर लें, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स कर लें, इकोनॉमी कर लें, लेकिन सिलेबस क्या है, आपको जो FPSC ने प्रोवाइड किया है वो सिलेबस क्या है, क्या उसमें आपको चीजें समझ में आ रही है, किस तरह डिवीजन करना है, किस तरह डायमेंशंस में डिवाइड करना है। तो पहले तो सिलेबस समझना है, जो कि हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह इस सिलेबस को समझेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपसे जो प्लेज किया है कि क्या है कि भाई आपको कोई बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा किसी भी बुक से प्रिपरेशन नहीं होती करंट अफेयर्स की, सारी बुक ऑब्सोलीट हुई हुई होती है। तो जो लेक्चर्स हैं, चाहे वो इकोनॉमी के ऊपर हो, पॉलिटिक्स के ऊपर हो, फूड सिक्योरिटी के ऊपर हो, वो लेक्चर्स आप कहीं से भी सुन रहे हैं या जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्टिव भी हों और एनालिटिकल बेस्ड भी हों। ये बात याद रखिएगा कि जो भी आप लेक्चर सुने, चाहे वो इकोनॉमी का सुने या कहीं से दूसरी चीज जगह से सुने, वो डिस्क्रिप्शन भी आपको बताए। फॉर एग्जाम्पल आप रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, तो पहले वो डिस्क्राइब भी करे आपको कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या, इसका ओरिजिन क्या है, इसके कॉजेज क्या है, और फिर उसका एनालिसिस भी दे। एनालिसिस का क्या मतलब है कि इससे क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है, क्या सिचुएशन चेंज होगी, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या आएगा, पॉलिटिक इंपैक्ट क्या आएगा, स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट क्या आएगा, पाकिस्तान का व्यू क्या है इसके ऊपर। और जो ये एनालिसिस हो ये क्वांटिटेटिव भी हो और क्वालिटेटिव भी हो। क्वांटिटेटिव का मतलब आपके पास डेटा भी हो, यानी अगर आप फूड सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो उसका जो एनालिसिस बेस्ड होगा कि फूड सिक्योरिटी के क्या असरात होंगे, तो वो क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए, यानी आपके पास डेटा स्टैटिस्टिक्स भी हो, और क्वालिटेटिव भी हो, यानी आप क्रिटिकली भी उसको एनालाइज कर पाए, उसको डिफरेंट फैक्शंस के अंदर डिवाइड कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरह सॉल्व होगा, ठीक है। फिर 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके जिससे आप हर चीज की स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे है और बजट है। तो इन लेक्चर्स में जो कि स्टार्ट होने जा रहे हैं मार्च 1 में, एक पूरा लेक्चर इकोनॉमिक सर्वे और बजट के ऊपर होगा, जिसमें आपको पूरी स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो पहला मैंने क्या बोला कि सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि बोला जाता है कि द फर्स्ट थिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि मुझे क्या प्रिपेयर करना है, जब तक आपके पास रोड मैप नहीं होगा, आप जितना भी एफर्ट लगा लें, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल मूव इन द रॉन्ग डायरेक्शन,
आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे होंगे। हो सकता है अगर आपके पास एक पूरा रोड मैप है तो आप हमेशा उस रोड मैप में चाहे स्लो भी चलें, लेकिन कम से कम ये श्योरिटी है कि आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। एज स्टीव जॉब्स सेड के इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे मैंने लिखा हुआ भी है कि व्हाट नॉट टू डू इज एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट टू डू। ठीक है, ना सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि क्या करना है खासतौर पर करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में, बल्कि यह भी पता होना चाहिए कि आपने क्या चीजें प्रिपेयर नहीं करनी। अनफॉर्चुनेटली हमारे काफी बच्चों को, काफी एस्पायरेंट्स को यह बात पता नहीं होती कि क्या चीजें प्रिपेयर नहीं करनी, जो सिलेबस का पार्ट नहीं है, जिसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, वो हर चीज को प्रिपेयर कर रहे होते। सेकेंड, मैंने आपको बोला कि लेक्चर्स शुड बी बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव स्किल्स। इसकी वजह क्या है कि इस टाइम के ऊपर आपके पास इतना टाइम मौजूद नहीं है कि आप डिफरेंट बुक्स से, डिफरेंट मैगजीन से, डिफरेंट न्यूज़पेपर से, डिफरेंट सोर्सेस से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाए, क्योंकि एक अगर 15 पेजेस की रिपोर्ट है तो उसमें से आपके पास सिर्फ 4-5-6 लाइंस का डेटा निकलेगा, लेकिन उस 15 पेज की रिपोर्ट पढ़ने के लिए आपको 2 घंटे चाहिए और सिर्फ उसके लिए एक टॉपिक भी आपका प्रिपेयर नहीं होगा। तो इस टाइम के ऊपर जो एस्पायरेंट्स हैं, जो 2022 का पेपर देने जा रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो डेटा, स्टैटिस्टिक्स, कोटेशंस वगैरह एक्सट्रैक्ट कर पाए। दैट इज व्हाई लेक्चर में ही तमाम डेटा, तमाम स्टैटिस्टिक्स, रेफरेंसेस प्रोवाइड कर दिए जाए ताकि आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं हो। इन अ नटशेल आई एम ट्राइंग टू से दैट द लेक्चर शुड बी द वन विंडो, जो कहला जाता है ना वन विंडो ऑपरेशन, कि एक ही जगह पर जाए, वहीं पे सारी चीज मिल जाए और वहीं से हम एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बात बोलेंगे, काफी बच्चे बात करेंगे कि सर अगर उसी जगह से सभी बच्चे जो है वो ले रहे होंगे और उसी आप कह रहे हैं वन विंडो ऑपरेशन है, देन हाउ कुड वी क्रिएट डिफरेंस इन द एग्जाम, हम एग्जाम में किस तरह डिफरेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, आपका लेक्चर होगा फॉर एग्जाम्पल डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, या इस्लामोफोबिया के ऊपर, तो उसके अंदर जो स्टैटिस्टिक्स होंगी, कोटेशंस होंगी, रेफरेंसेस होंगे, वो शायद 100 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे सुनेंगे, तो हाउ कुड वी क्रिएट डिफरेंस, द डिफरेंस विल बी क्रिएटेड थ्रू योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, द डिफरेंस विल बी क्रिएटेड थ्रू योर राइटिंग, थ्रू योर लैंग्वेज, थ्रू योर एक्सप्रेशन, हाउ Will you present your ideas on the answer copy? जिसके लिए मैंने एक पॉइंट रखा हुआ यहाँ पर, राइटिंग एन आंसर, इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन ये पॉइंट समझाने की जरूरत इसलिए थी कि आपके दिमाग में फौरन से ये बात क्लिक होगी कि सर हाउ कुड वी क्रिएट डिफरेंस, सो द डिफरेंस विल बी क्रिएटेड थ्रू राइटिंग, थ्रू प्रेजेंटेशन, थ्रू योर इंग्लिश लैंग्वेज एक्सप्रेशन, थ्रू मैप्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, टेबल्स, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तीसरी चीज, काफी बच्चे बोलेंगे सर हमने तो सुना है कि भाई करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ो, बल्कि एक भी नहीं, मल्टीपल न्यूज़पेपर्स पढ़ो, फॉरेन आर्टिकल्स पढ़ो, फॉरेन अफेयर्स के, फॉरेन पॉलिसी के, अल जजीरा के, और जो है डिफरेंट सोर्सेज के। सो द माई क्वेश्चन इज Do you have time for all that things? ठीक है, क्या आपके पास ये टाइम है? और अगर आप शायद अगर साल के शुरू में भी बैठे हैं तो क्या आप अपना प्रीशियस टाइम इन चीजों के ऊपर लगा सकते हैं या लगाना चाहिए? आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि वो चीज ट्रेंड अब चेंज हो चुका है, CSS का 2016 के बाद से ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब जो आपका मेक और ब्रेक है एलोकेशन का, वो आपके ऑप्शनल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और आपके ऑप्शनल्स का पेपर काफी टेक्निकल होता है। ठीक है, फिर एसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एसे पे मैक्सिमम टाइम देना चाहिए, 2 अंग्रेजी के पेपर। तो इस गिवन टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, फॉरेन अफेयर्स, मैगजीन्स वगैरह पे लगा रहे हैं, तो वो जो 2 अंग्रेजी के पेपर है जिसमें मैक्सिमम टाइम चाहिए, उसका क्या होगा? राइटिंग प्रैक्टिस का क्या होगा? क्योंकि आखिर के 2 से 3 महीने में यू शुड राइट एटलीस्ट 2 to 3 hours डेली, क्योंकि ये रिटन का पेपर है, वाइवा नहीं है जहां पे आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, ये राइटिंग का पेपर है, तो राइटिंग के लिए भी आपको टाइम चाहिए। सो वी डू नॉट हैव टाइम कि हम इतनी सारी सोर्सेस को पढ़ पाए, तो इसका हमारे पास क्या सोल्यूशन है? वीकली न्यूज एनालिसिस, जो हमारे पास फीचर भी है, इस कोर्स का भी हिस्सा है, तमाम एस्पायरेंट्स के लिए भी है, कि हम क्या करते हैं, पूरी वीक की न्यूज को हम कलेक्ट करते हैं और इन द एंड 7-8 दिन के बाद से
पूरा न्यूज वीक एनालिसिस लेकर आ जाते हैं रेलिवेंट टू सीएसएस एग्जाम। उसके अंदर ये नहीं होता कि जहांगीर तरीन जो है वो बीमार हो गए और वो जो है वो एम्बुलेंस के थ्रू बाहर मुल्क चले गए, और जो है वो मरियम नवाज ने आज इस शादी में शिरकत की, या जो है वो नवाज शरीफ ने आज इस पॉलिटिशियन से मुलाकात की। ये न्यूज एनालिसिस नहीं होता, ये तो एक जनरल न्यूज एनालिसिस है। या जो है वो लाहौर कलंदर ने जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच में हरा दिया, ठीक है, ये न्यूज एनालिसिस नहीं होता, ठीक है। न्यूज एनालिसिस होता है रेलिवेंट, जो सीएसएस के टॉपिक रेलिवेंट से उसके प्रूफ। फॉर एग्जांपल हमने समझे कवर किया फूड सिक्योरिटी का टॉपिक करंट अफेयर्स में, उसके ऊपर कोई नई हैपनिंग आ रही हो उसको आप कवर करेंगे, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर कोई नई चीज आ जाए, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के दरमियान कोई नई चीज हो जाए, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के ऊपर कोई नई बात आ जाए, तो उस चीज को हम वीकली न्यूज एनालिसिस में कवर करते हैं, ताकि जो भी बच्चे कोर्स में रजिस्टर्ड हैं वो अपने डेटा को या जो उन्होंने खुद से अपने नोट्स बनाए उसको अपडेट कर लें। इसका फायदा क्या है, टाइम सेविंग है पहली चीज, टाइम आपका बचेगा, रोज आपको न्यूज़पेपर डिफरेंट सोर्सेस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज वैल्यू एडिशन है, ठीक है, जो बच्चा सुनेगा अपने आप को वैल्यू एडिशन कर पाएगा। तीसरी चीज आप कॉन्स्टेंटली अपने नोट्स को अपडेट करते जा रहे होंगे, ठीक है ना, ये नहीं है कि जैसे मैंने पढ़ा दिया इकोनॉमी तो फिर खत्म हो गया, नहीं। अगर एफएटीएफ का कोई नई चेंज आ जाती है, फॉर एग्जांपल हमने आज 1 मार्च को इकोनॉमी से शुरू किया, अब हमने उसमें एफएटीएफ का टॉपिक पढ़ लिया, अब फॉर एग्जाम्पल अप्रैल में पाकिस्तान एफएटीएफ से बाहर आ गया ग्रे लिस्ट से, या कुछ और हैपनिंग हो गई, तो अब क्या होगा, क्या हमें दोबारा से कवर करना है, नहीं, हमारे न्यूज वीक एनालिसिस चलता आ रहा होगा, सिर्फ न्यूज वीक एनालिसिस में आपने लेना है और चीजों को अपडेट कर लेना है। तो न्यूज वीक एनालिसिस का फायदा क्या है, टाइम सेविंग है आपकी, सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेनी पड़ेंगी, और दूसरी बात यू हैव टू अपडेट योर नोट्स कॉन्स्टेंटली टू एड वैल्यू। मैंने लिखा है टू नो एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग अराउंड यू एंड टू अपडेट योर नोट्स देन। अब आप बात करेंगे सर हमारे पास तो टाइम नहीं है क्योंकि हम पेपर हो रहे वाले मई के अंदर, तो काफी वो बच्चे होंगे जिन्होंने शुरू से तैयारी कर रहे होंगे करंट अफेयर्स की, या वो बच्चे हैं जो काफी बुक रीड करते हैं, तो उनके पास तो काफी बुक के रेफरेंसेस देने के लिए उनके पास जो है काफी मटीरियल होगा, उनके पास तो काफी चीजें होंगी। तो अब ये कॉम्पिटिशन है, इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज फेडरल एग्जाम, और ये कॉम्पिटिशन है, तो हम उनसे किस तरह कम्पीट कर पाए, क्योंकि हमने तो बुक्स नहीं पढ़ी और ना ही हमारे पास टाइम है और ना ही आप हमें सजेस्ट कर रहे हैं। तो उस कॉम्पिटिशन में अपने आप को इन रखने के लिए जो यहाँ पे मैं फीचर है हमारा जो इस बैच में, खासतौर पर इस बैच में ही, पिछले बैचेस को भी ले आऊंगा क्योंकि अभी एंड टाइम है, इसके अंदर बुक रिव्यूज करेंगे। अच्छा, बुक रिव्यूज का ये मतलब नहीं होता कि हम पूरी बुक को कवर करें, नहीं, बुक रिव्यूज का मतलब होता है कि उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको सिर्फ आपको सम अप करके मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल अभी आप कल देखिएगा, कल ही हमारा एक बुक रिव्यू है 10 lessons फॉर द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड बाय फरीद जकरिया, मैं आपको उसमें सम अप करके बता दूंगा चीजों को विद स्टैटिस्टिक्स एग्जाम्पल कोटेशंस, ताकि आप पेपर में उसका रेफरेंस दे पाए। अब जब आप पेपर में उसका रेफरेंस कोट करेंगे तो एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने बुक रिव्यू सुना है, आपने बैच ज्वाइन किया है, या आपने पूरी बुक पढ़ी है, ठीक है। जिसने पूरी बुक पढ़ी है वो भी उस तरह कोट करेगा और आप भी उस तरह कोट करेंगे। तो इन द एंड हम कोशिश करेंगे इस बैच में कि हम 8 से 9 बुक्स के रिव्यूज ले आए, खासतौर पर जो पॉपुलर बुक है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हार्ट कंट्री है, या जो है वो मलिया लोधी की बुक है, ठीक है, Beyond the Crisis State, या फिर जो युवा नोआ हरारी की बुक है 21 lessons for 21st century, इसी तरह जो है वो 3-4 और बुक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या अभी जो रिसेंटली बुक आई है न्यू एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा, या 10 lessons for the post pandemic world है। इस तरह की जो 6 से 8 बुक्स हैं उसके आपके साथ रिव्यूज इस तरीके से शेयर किए जाए कि आप उसको बड़े आसानी से उसको कोट कर पाए, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक हो, इनइक्वालिटी का टॉपिक हो, बायपोलर वर्ल्ड की तरफ जाने का टॉपिक हो, क्लाइमेट चेंज हो, गवर्नेंस हो, ताकि आप उसको कोट कर पाए। आपका टाइम भी सेफ होगा, आपको डेटा मिल जाएगा, डेटा तो नहीं मिल जाएगा, खासतौर पर लेक्चर मिल जाएगा जिसमें आप सुने लिखें, और एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने पूरी बुक पढ़ी है, या आपने रिव्यू सुना है, या आपने रिव्यू पढ़ा, ठीक है। लेकिन चीज समझ में आनी चाहिए कि उसमें लिखा क्या है, बेवकूफ नहीं बना सकते एग्जामिनर को, बगैर पढ़े या बगैर समझे वो चीज नहीं लिख सकते। तो बुक रिव्यूज टू ऐड वैल्यू इन योर आंसर, मेक इट अट्रैक्टिव फॉर द एग्जामिनर। देखिए, मैंने जो स्टार्ट में कहा था उस पूरी जर्नी को आपको एक एक स्टेप में आपको बता रहा हूं कि इस तरह तैयार नहीं होगा। इफ यू हैव 50 days,
And if you do not want, and if you do not have time to read a book or a newspaper and a magazine on the daily basis, और आपको कहीं से रेडीमेड नोट्स लेने की भी जरूरत नहीं है अकेडमीज वगैरह से, ठीक है, वो क्लीशे है, कॉमन प्लेस है, वो तो ना वो अपडेटेड होते हैं ना उसके अंदर करंट स्टैटिस्टिक्स वगैरह होती है, तो फिर क्या करना है उसकी पूरी मैं आपको मैप स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। देन जी, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो फुल टाइम जॉब करते हैं, बैठ कर लेक्चर सुनना तो बड़ा मसला है, इसका क्या करें, वी कैन नॉट मैनेज आवर स्केड्यूल विद योर स्केड्यूल, क्या हम छुट्टी ले लें जॉब से, तो अगर हम छुट्टी ले लेंगे तो हमारे फाइनेंसिस कौन बेयर करेगा, उसको कैसे मैनेज करेगा। दैट इज व्हाई वी प्रोवाइड वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी लेक्चर, ठीक है, इसी वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग हर लाइव लेक्चर की प्रोवाइड की जाती है, दो वजह से, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल और इजी रिविजन, ठीक है, कुछ बच्चों को नोट्स बनाने की आदत होती है तो वो लेक्चर सुन के नोट्स बना लेंगे, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होती, तो एक तो वो स्केड्यूल फ्लेक्सिबल होगा, जब उनकी मर्जी आए वो लेक्चर सुन सकते हैं, दूसरी बात एग्जाम के टाइम पे वो रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल फूड सिक्योरिटी का टॉपिक आपने रिवाइज करना है, आपके पास टाइम नहीं था, आप लेक्चर से नोट नहीं बना पाए, दोबारा लेक्चर पे जाएं, उसकी स्पीड बढ़ा दें 2x पे जाएं और पूरा लेक्चर आप सुन सकते हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के दो फायदे, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होगा और इजी रिवीजन। देन कम टू द मेन पॉइंट, राइटिंग एन आंसर थ्रू विच यू कैन क्रिएट द डिफरेंस, तो इसके अंदर पूरा खासतौर पर कोशिश करूंगा एक से दो क्लासेस, तीन मैक्सिमम और मिनिमम टू क्लासेस जरूर लूं, जिसपे आपको राइटिंग टेक्निक्स बताई जाए, ठीक है ना, कि भाई डिफरेंस किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन कितने वर्ड्स का हो, कोटेशंस कहां पर होनी चाहिए, फिर खासतौर पर करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स में मैप्स बड़ा मैटर करते हैं, टेबल्स बड़ी मैटर करती हैं, फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स बड़ी मैटर करते हैं, उसको आप किस तरीके से लेके जा चल रहे हैं, हेडिंग लिखना भी एक आर्ट है, ठीक है, हेडिंग देना भी एक आर्ट है, एक बच्चा है जो सिर्फ जीडीपी ग्रोथ रेट हेडिंग डाल देता है और एक बच्चा जो एक प्रॉपर हेडिंग डालता है, हमेशा मैं कहता हूं हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर दो लेक्चर्स, और खास तौर पे राइटिंग स्किल्स में जो मेन चीज है वो है क्वेश्चन का समझना, क्योंकि अगर आप एफपीएससी की रिपोर्ट्स निकालें, अगर आप एफपीएससी की प्रीवियस रिपोर्ट्स निकालें, तो उसमें एग्जामिनर कॉन्स्टेंटली आपको कह रहा है, एग्जामिनर कॉन्स्टेंटली आपसे एक बात कह रहा है, वो ये कह रहा है कि स्टूडेंट राइट्स व्हाट दे नो इंस्टेड ऑफ व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, स्टूडेंट वो लिखता है जो उसको आता है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया कि भाई क्रिटिकली एग्जामिन द जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अब बच्चा वो नहीं लिख रहा जो सवाल में पूछा गया, उस सवाल में पूछा गया कि भाई क्रिटिकली एग्जामिन करें, बच्चा ये एस्पायरेंट क्या कर रहा है कि भाई बीआरआई के ऊपर मुझे जितनी चीजें याद हैं वो बच्चा उसके ऊपर लिखकर आ जाता है, ठीक है, कि बीआरआई के ऊपर मुझे ये चीजें याद हैं, मैं बस ये मैंने नोट्स बनाए हुए थे, मैं वो चीजें लिखकर आ जाता हूँ, ये तो उसने नहीं पूछा, ठीक है, उसने पूछा है कि भाई करप्शन एलिमिनेशन को किस तरह हम पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बना सकते हैं, अब उसने करप्शन एलिमिनेशन के ऊपर जितनी चीजें याद की वो चीज जाके लिखकर आ जाता है। उसने सवाल पूछा 2021 में कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन नगरानो काराबाग कॉन्फ्लिक्ट एंड द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, बच्चे ने नगरानो काराबाग के ऊपर जितनी चीजें याद थी कि काराबाग क्या कॉन्फ्लिक्ट था, अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में क्या झगड़ा है, क्या नहीं है, टर्की की क्या पोजीशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी लिखकर आ गई, उसमें कहीं पर कश्मीर का जिक्र नहीं है, कहीं पर कंपैरिजन नहीं, इस तरह की सो नहीं होगी, यानी आपको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, फिर क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन टैग को भी समझना जरूरी है कि क्या उसमें डिस्क्राइब करने को कह रहा है, क्या उसमें एनालाइज करने को कह रहा है, क्या उसमें इवेल्युएट करने को चीजें कह रहा है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन टैग का अपना मतलब है, ठीक है, अगर आपको डिस्क्राइब कर रहा है तो आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन देंगे, अगर आपको एग्जामिन या एनालिसिस दे रहा है तो आप उसको कंपोनेंट्स में तोड़कर ईच कंपोनेंट को एनालिसिस करते हैं कि इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, इसके वीक पॉइंट्स क्या है, ठीक है, फिर इसके जो वीक पॉइंट्स है उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ये होता है एनालिसिस, क्या इंपैक्ट क्रिएट करेगा ये फ्यूचर में, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ठीक है, तो राइटिंग एंड आंसर में हम तीन चीजें करेंगे, बेसिकली क्वेश्चन डिस्क्रिप्टर्स, क्वेश्चन को किस तरह समझे, फिर जो है वो प्रेजेंटेशन स्किल्स और राइटिंग इंट्रोडक्शन कंक्लूजन और हेडिंग किस तरह देनी चाहिए, फिर जी टू मॉक एग्जाम इन द एंड, आखिर में ये बहुत जरूरी है कि आपकी जरूरत हो कि आप अपने आप की तैयारी को इवेल्युएट करें, असिस करें कि मैं इस टाइम के ऊपर कहां पर मौजूद हूं,
दैट इज वाई कोर्स के एंड में हम एक करंट अफेयर्स का मॉक लेंगे और एक पाकिस्तान अफेयर्स का मॉक लेंगे और इन द एंड नोट्स इन द हार्ड कॉपी. अगर कुछ स्टूडेंट्स को काफी जरूरत होती है कि सर हमें नोट्स भी जरूर दें, ऑल दो मैं कभी भी इनकरेज नहीं करता, अभी भी मेरे पास चार पांच मैसेजेस हैं, ऑल दो हमारी अकेडमी के नोट्स मौजूद हैं, कुछ बच्चे ऐसे के भी नोट्स मांग रहे होते हैं, तो मैं कभी भी इनकरेज नहीं करता कि आप कोई रेडीमेड नोट्स लें. मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि आप लेक्चर लें, एनालिसिस सुने, अपना दिमाग यूज करें, अपने नोट्स बनाएं, वीकली न्यूज एनालिसिस सुने, उससे अपने नोट्स अपडेट करें. बट एनी हाउ इफ एनी स्टूडेंट्स वांट्स नोट्स इन हार्ड कॉपी, इट्स आल्सो अवेलेबल. बट मैं कभी भी उसको चीज को इनकरेज नहीं करता. लेकिन अगेन ये आपके ऊपर एडिशनल फीचर, इफ यू वॉन्ट टू बाय द नोट्स यू कैन. सो इस तरह बेसिकली 50 डेज के अंदर हम इन चीजों को, इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, ये पूरी चीज थी जो मैंने आपको आंसर दिया हाउ का. पर जैसा कि मैंने कहा कि आवर जर्नी ऑफ 50 डेज हैज स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, जो हमारी ये प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है, ये जो जर्नी है, ये आज से स्टार्ट हो गई है. और आज से स्टार्ट का मतलब है जो हमारा पहला पॉइंट था वो था द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस. क्योंकि मैंने कहा कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट टू डू, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट नॉट टू डू, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स. बिल्डिंग बनाने से पहले आपको पास उसका डिजाइन होना चाहिए, किसी जगह पर जाने से पहले आपको उसका रास्ता पता होना चाहिए. तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर की तरफ, जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस. ठीक है, फर्स्ट सेशन विल बी ऑन इज ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस, और आज ही से है हमारा फर्स्ट सेशन. और फिर उसके बाद से जो है पूरे सेशन शुरू होंगे इंशाल्लाह मार्च 1 से, जो कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस होगी. लेकिन एनी हाउ आज है लेटर पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस ऑफ करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स. अच्छा जी, सिलेबस ऑफ करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये इसलिए भी जरूरी है कि एक बड़ी रॉन्ग अप्रोच है हमारे यहाँ बच्चों की करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए. दो एक्सट्रीम्स पाई जाती हैं. एक वो बच्चे हैं जो कहते हैं हर चीज पढ़ो, ठीक है ना, वो कहते हैं हर न्यूज़पेपर को पढ़ो, हर मैगजीन को पढ़ो, हर यूट्यूब की वीडियो देखो, हर न्यूज चैनल की न्यूज सुनो. ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करने लग जाएंगे तो बाकी के सब्जेक्ट कौन प्रिपेयर करेगा. तो अगेन इट इज अ रॉन्ग अप्रोच. दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर वो बच्चे हैं जो कहते हैं कि भाई हम डॉन के ऊपर जाके पाकिस्तान इंडिया के ऊपर एक दो आर्टिकल पढ़ लेंगे तो हमारा वो टॉपिक तैयार हो जाएगा. ठीक है, या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको तैयार कर लो तो हमारा ये टॉपिक तैयार हो जाएगा. ये भी रॉन्ग अप्रोच है. तो ये दोनों एक्सट्रीम्स पाई जाती हैं जिसकी वजह से लोगों की एंड टाइम तक करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी अच्छी नहीं होती. और यकीन माने इफ यू कैच योरसेल्फ प्रिपेयर्ड इन अ गुड वे इन दीज टू सब्जेक्ट्स, आपके एसे के भी दो से चार टॉपिक्स थीम्स प्रिपेयर हो जाते हैं. करेक्ट अप्रोच क्या है? करेक्ट अप्रोच यह है कि जो आपने FPSC ने जो आपको सिलेबस दिया है उसको जरा आप समझें. ठीक है, उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करें. अब मसला यह है कि हमें जो FPSC ने सिलेबस दिया है वो क्या है, इज समवॉट वेग. दैट इज वाई यहां पर इश्यू क्रिएट होता है. दैट इज वाई आज की क्लास में सिलेबस को समझना जरूरी है कि भाई जो FPSC ने सिलेबस दिया है वो एम्बिगुअस है, कॉम्प्लेक्स है, वैग है, और उसको समझना डिफिकल्ट है. दैट इज वाई काफी बच्चे गलत ट्रैक के ऊपर चले जाते हैं. मैं आपको दिखाता हूं. ये देखें जी, ये करंट अफेयर्स का सिलेबस है FPSC का. उसमें लिखा है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स से 20 नंबर का सवाल, पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स में ये चीजें प्रिपेयर करनी, और ग्लोबल इश्यूज में ये चीजें प्रिपेयर करनी. अब दिखने को तो ये बड़ा सिंपल है, कहने को तो ये बड़ा सिंपल सा सिलेबस है. बट मैं इसको वैग क्यों कह रहा हूं कि अगर आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स देखें तो उसमें लिखा है पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स एंड सोशल अफेयर्स. अब इकोनॉमिक अफेयर्स में हमने क्या प्रिपेयर करना है, ये यहाँ पे कहीं भी चीज मेंशन नहीं है, और यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं. पॉलिटिकल अफेयर्स में हमने क्या चीज प्रिपेयर करनी है, सोशल अफेयर्स में हमने क्या चीज प्रिपेयर करनी है. इकोनॉमिक अफेयर्स में एक तरफ मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस है, डेट मैनेजमेंट है, फिस्कल पॉलिसी है, FATF है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और उसी के साथ साथ एक्सचेंज रेट है, उसी के साथ साथ जो है हमारे पास जो है इंटरेस्ट रेट्स की डिबेट है, उसी के साथ साथ बॉन्ड्स इशू करने वाली डिबेट है. तो हम क्या चीज प्रिपेयर करें. ठीक है, अगर हम सारी चीजें प्रिपेयर करने जाएंगे तो कभी भी हमारा इकोनॉमी का पार्ट कंप्लीट नहीं होगा. यानी हमें पता होना चाहिए कि हमें इकोनॉमी में क्या क्या चीजें प्रिपेयर करना चाहिए. देन पॉलिटिकल अफेयर्स है, कहीं पे नहीं लिखा कौन से पॉलिटिकल अफेयर्स है. बहुत बड़ी लिस्ट है, नेशनल इंटीग्रेशन भी पॉलिटिकल अफेयर्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पॉलिटिकल, न्यू प्रोविंस की डिबेट भी पॉलिटिकल है,
ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी पॉलिटिकल में आ जाता है, ठीक है। तो फिर अगेन ये जो ग्रुपिंग होती है जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन होने जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, ये भी पॉलिटिकल इश्यूज है। हमने कौन कितने पॉलिटिकल इश्यूज तक अपने आप को लिमिट करना है, क्योंकि यू हैव टू फोकस लाइक अ लेजर बीम। जिस तरह लेजर बीम फोकस रखती है अपने आप को, अगर आप फोकस्ड होंगे तभी आपकी सीएसएस में प्रिपरेशन अच्छी होगी। याद रखिएगा, फोकस्ड नहीं होंगे कभी भी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई, ठीक है। सारी चीजों को में जाएंगे कभी भी आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो हमें फोकस्ड रहना, अगेन सोशल इश्यूज में नहीं लिखा हुआ क्या प्रिपेयर करना है। फिर आप पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स पे आ जाएं, लिखा है पाकिस्तान रिलेशन विद इट्स नेबर्स इंडिया चाइना अफगानिस्तान रशिया। अब पाकिस्तान इंडिया में के रिलेशन में क्या प्रिपेयर करें, ठीक है। बहुत सारी चीजें, पूरी पूरी बुक लिखी हुई है पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन के ऊपर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा पाकिस्तान इंडिया में ये चीजें मैंने प्रिपेयर करनी है, पाकिस्तान चाइना का ये एस्पेक्ट है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस का ये एस्पेक्ट है, यानी पूरा रोड मैप होना चाहिए। सेम इज द केस विद ग्लोबल इश्यूज। यहाँ पे उसने लिखा इंटरनेशनल सिक्योरिटी, भाई इंटरनेशनल सिक्योरिटी में काफी चीजें आ जाती हैं, मैं क्या प्रिपेयर करूँ। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या प्रिपेयर करूँ। तो आपके पास पूरा एक रोड मैप हो, इसी सिलेबस को आपने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करके आपके पास एक पूरा डिजाइन हो, एक पूरा आपके पास स्ट्रक्चर हो जिसको आप वन बाय वन फॉलो करें। और वही काम हमने आपके लिए कर दिया है, जिसको मैं रोड मैप ऑफ बैच 9 भी कह रहा हूँ, या रोड मैप ऑफ करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स भी कह रहा हूँ। और इसको चीज को मैंने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। क्या है, पहले हम जनरल लेक्चर्स की तरफ जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि भाई आज का लेक्चर्स, आज ही इसके स्टार्ट, यहाँ पे आपने देखा भी है लेक्चर 1 अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस की पूरी बात करें कि भाई किस तरह समझेंगे। फिर लेक्चर 2 में क्वेश्चन डिस्क्रिप्टर्स की बात करें कि भाई क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह समझे। लेक्चर 3 में अटेम्प्टिंग टेक्निक राइटिंग स्किल्स मैंने आपको बता दी। फिर यहाँ पर अगर आप एफपीएससी का सिलेबस देखें तो लिखा हुआ है इकोनॉमिक इश्यूज। इकोनॉमिक इश्यूज में आपके पास पता होना चाहिए, फोकस होना चाहिए क्या चीजें प्रिपेयर करना है। तो इकोनॉमिक इश्यूज में क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है जो इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस, उसके कॉजेज, इंपैक्ट्स और सॉल्यूशंस। देन टैक्स नेट के ऊपर अलग से सवाल भी आ जाता है, डेट मैनेजमेंट के ऊपर अलग से भी आ जाता है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर अलग से भी आ जाता है, एफडीआई के ऊपर। तो ये चीजें आपने अलग अलग से भी प्रिपेयर करनी है, टैक्स नेट, एक्सपोर्ट्स, डेट मैनेजमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो लेक्चर्स इंशाल्लाह जो रजिस्टर्ड होंगे पूरे सेशन, उनके लिए पूरे अलग अलग से लेक्चर इंशाल्लाह मौजूद है। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू सीपैक 2.0 एंड विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज, अगर आप मुझसे पूछें इन 5 से 6 लेक्चर में इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर कौन सा है सीएसएस 2022 के लिए, तो मैं कहूंगा इंडस्ट्रियलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू सीपैक, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द बैकड्रॉप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह डिटेल में कवर किया जाएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं भी कर रहे आप इसको जरूर प्रिपेयर करें। देन एफएटीएफ पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से इंपॉर्टेंट है, इस साल भी इंपॉर्टेंट है। वाटर क्राइसिस इन नेशनल यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज द इकोनॉमिक इश्यूज इज कंसर्न, आपने जरूर करना चाहिए वाटर टॉपिक्स, और हम इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे भी। देन पाकिस्तान एंड डिजिटलाइजेशन चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट, डिजिटल इकोनॉमी आफ्टर COVID-19 बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। आपने रिसेंटली देखा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रास्त के नाम से अकाउंट्स को स्टार्ट किया, रोशन बैंक अकाउंट को स्टार्ट किया, वॉलेट स्कीम्स को स्टार्ट किया पाकिस्तान ने। करंटली जो है वो बिल गेट्स भी आए पाकिस्तान के अंदर, और अभी मेरे ख्याल में 1 हफ्ता पहले इमरान खान ने कन्वेंशनल सेंटर में डिजिटलाइजेशन के ऊपर पूरी स्पीच भी की, जिसमें आपके एंटरप्रेन्योर सारे लोग आए हुए थे। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको इंशाल्लाह डिटेल में कवर किया जाएगा। जो लोग नहीं भी करें उसको खुद से करें, लेकिन इसके अंदर अगेन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वे दोनों में, इसके अंदर डेटा भी होगा, स्टैटिस्टिक्स भी होगी, रेफरेंसेस भी होंगे। देन यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है सोशल इश्यूज। तो सोशल इश्यूज में क्या कवर करेंगे जी, फूड सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मुझसे पूछें तो सोशल इश्यूज में इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फूड सिक्योरिटी है। बहुत कुछ लिखा गया इसके ऊपर, इसको इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के बैकग्राउंड बैकड्रॉप में और डोमेस्टिक डेटा के बैकड्रॉप में इसको पूरा इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। देन एजुकेशनल क्राइसिस, और एजुकेशनल क्राइसिस में भी सिंगल नेशनल करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन, और फिर इस्लामोफोबिया। ठीक है, मैं तो कहता हूँ इस्लामोफोबिया पे ऐसे भी प्रिपेयर करना चाहिए, ऐसे भी इंशाल्लाह ऐसे का जो बैच 9 है वो 15 मार्च से स्टार्ट है, उसमें भी ये बात करेंगे। लेकिन इस्लामोफोबिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इमरान खान पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस भी फोरम पे गए इस्लामोफोबिया की बात की, तो सोशल इश्यूज में हमने इस्लामोफोबिया को फूड सिक्योरिटी की बात से सबसे इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंस देनी है, सिग्निफिकेंस देनी है और फिर सिंगल नेशनल करिकुलम। तो ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम पांच कवर करेंगे, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, नेशनल करिकुलम, पॉपुलेशन और इस्लामोफोबिया। फिर पॉलिटिकल इश्यूज, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल इश्यूज। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर आपने इतनी बड़ी लंबी लिस्ट कर दी, ये पूरा पाकिस्तान अफेयर्स भी आपका यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि जब हम अभी थोड़ी देर में पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस देखेंगे तो आपको यही टॉपिक उसके अंदर भी नजर आएंगे। पॉलिटिकल इश्यूज में जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अगेन अगर आप मुझसे पूछें कि सर इस टाइम के ऊपर दो टॉपिक्स अगर मैं आपको बताऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट है एज फार एज द पॉलिटिकल इश्यूज इज कंसर्न, एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान है और दूसरा पाकिस्तान एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सिग्निफिकेंट टॉपिक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा पूरे ये आपके सामने लिखे हुए हम पॉलिटिकल इश्यूज को कवर करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये क्रैश कोर्स नहीं है, दो टॉपिक नहीं कवर करेंगे, पूरे टॉपिक इंशाल्लाह कवर करेंगे। और एक और टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है अगर मैं बोलूं इसी के साथ साथ, वो है पाकिस्तान पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स की तरफ, पाकिस्तान का जो शिफ्ट हुआ है फॉरेन पॉलिसी का, वो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स भी होगी एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीजें इंशाल्लाह कवर की जाएंगी। देन पाकिस्तान इन द रीजन, जिसमें रिलेशंस आ जाते हैं। अब रिलेशंस में क्या करेंगे, इंडिया पाकिस्तान की जब हम रिलेशंस करेंगे तो उसको हम दो लेक्चर में डिवाइड करते हैं। पहले लेक्चर में हम तीन लेक्चर में बेसिकली डिवाइड करते हैं। एक लेक्चर में हम ट्रेडिशनल इश्यूज को कवर करते हैं, सियाचिन, सर क्रीक जो है उसको कवर करते हैं। एक में हम नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज को कवर करते हैं जिसमें न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है, जिसमें एलओसी वायलेशंस है, जिसके अंदर जो है वो आरएसएस, अखुंद भारत एजेंडा, हिंदुत्व आइडियोलॉजी इंडिया की, उसको हम कवर करते हैं। और फिर तीसरे लेक्चर में पूरे कश्मीर को कवर किया जाता है कंटेम्प्रेरी टॉपिक। तो इस तरह आपने इंडो पाक रिलेशंस को कवर करना है या इस तरह किया जाएगा सेशन के अंदर। देन सीपैक एंड सीपैक 2.0 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर काफी डेवलपमेंट भी हुई है। करंट इमरान खान का विजिट हुआ, जी जिनपिंग से मुलाकात हुई, विंटर ओलंपिक्स में सीपैक 2.0 के ऊपर भी बात हुई। 4 से 5 मैंने पहले भी कहा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन राशा का इकाई है, धाबे जी का है फैसलाबाद में, उसके ऊपर बड़ा तेजी से काम किया जा रहा है सीपैक 2.0 के अंदर। इसको अलग से भी सीपैक 2.0 पूछ सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ भी पूछ सकता है, तो इसको कवर करेंगे। पाक यूएस रिलेशंस अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए आफ्टर यूक्रेन क्राइसिस और आफ्टर द टू कंसेक्यूटिव विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू बीजिंग एंड टू रशिया, डिस्पाइट द वेस्टर्न डिप्लोमेटिक बायकॉट ऑफ चाइना एंड रशिया। पाक यूएस रिलेशंस किस तरह अनफोल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या पाकिस्तान का रिलेशंस यूएस के साथ खराब होने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीद है, क्या कन्वर्जेंस पॉइंट है, क्या डाइवर्जेंस पॉइंट है, तो इसको भी इंशाल्लाह डिटेल में किया जाएगा। पाक रशिया रिलेशन से पहले नहीं हुआ है, इसी बैच में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी विजिट भी हुआ है, हो सकता है पुतिन भी आने वाले महीनों में पाकिस्तान को विजिट करें। देन पाकिस्तान ईरान और पाक सऊदी रिलेशन। देन इंटरनेशनल इश्यूज में आ जाए, इंटरनेशनल इश्यूज में इस साल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पिछले साल भी थे लेकिन इस साल के लिए जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक रखे हैं वो है क्वाड और एयू के यूएस, ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक पॉलिसी। इससे पहले इस पे सवाल आ चुका है लेकिन क्वाड और एयू के यूएस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है। देन क्लाइमेट चेंज है, खासतौर पर जो रिसेंटली क्लाइमेट के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई ग्लासगो के अंदर, उसके हवाले से क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अफगानिस्तान पीस प्रोसेस, इसके ऊपर बहुत डिटेल में लेक्चर भी मौजूद है, उसी लेक्चर के मजीद एड ऑन करके एक लेक्चर भी लिया जाएगा। अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस, पाकिस्तान का रोल इसके अंदर जो है वो जो क्या कहते हैं उसको, स्पॉयलर्स का रोल, कौन कौन से कंट्रीज प्ले कर सकते हैं, किस तरह हम रीजनल कंसेंसस क्रिएट कर सकते हैं अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान कनेक्टिविटी किस तरह कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर आप इंटरनेशनल इश्यूज में मुझसे पूछें तो यूएस चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड EU के US इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स में कुछ हद तक रशिया यूक्रेन भी आ सकता है, उसको भी हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में डिटेल के साथ कवर करेंगे। ऑल्दो यस्टरडे कर चुके हैं लेकिन कुछ एड ऑन करके जो जिस तरह सिचुएशन डेवलप होती है। फिर पैलेस्टाइन अगेन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, इस साल भी इंपॉर्टेंट ही होगा। देन फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को भी कवर किया जाएगा। फिर पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर लेक्चर, जो कि पाकिस्तान अफेयर्स का जो प्री पार्टीशन वाला पोर्शन है उसको कवर किया जाएगा 10 से 11 लेक्चर्स में। और इस तरह ये बेसिकली आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिलेबस, जिसमें मैंने पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स पहले आपको डिटेल में बताया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कौन कौन से कवर करने हैं या करने चाहिए या हम करेंगे पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स में, और फिर ग्लोबल इश्यूज के अंदर। ठीक है जी,
और इसके साथ एड ऑन फीचर जो मैंने आपको बता चुका था, वीकली न्यूज एनालिसिस वगैरह, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ना सिर्फ लेक्चर्स बल्कि उसके साथ जो एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल है वो भी मैं आपको साथ साथ उस लेक्चर के उसी फोल्डर में इंशाल्लाह अपलोड करता चला जाऊंगा। तो ये थी हमारी बेसिकली स्ट्रेटजी का एक ओवरव्यू और आज का पहला लेक्चर रिलेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। अब जो है मैं आपको ये बताना चाहूँ सर, अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो आप कह रहे हैं ना कि भाई आपने रोड मैप दे दिया और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि वी विल अटेम्प्ट ऑल द फोर क्वेश्चंस कॉम्प्रेहेंसिवली इन द एग्जाम। पर एक तो हमने सीएसएस को एक इम्प्रिग्नेबल एलिमेंट भी बनाया कि वो ऐसी टेरिटरी है जिसको कॉन्कर्ट किया ही नहीं जा सकता। हमारे दिमागों में सीएसएस का भूत भी एक तरह से है, उससे हम डरते भी हैं, फोबिया भी है। तो हम कैसे मान लें सर कुछ और अलग आ जाए, कुछ और चीज पूछ ले वो हमसे। तो अब जरा देख लेते हैं इस चीज को, जरा पास्ट पेपर्स को एनालाइज कर लें कि क्या यही चीजें आ रही हैं, क्या इसी चीज को कवर किया जा रहा है या नहीं जा रहा। तो जरा हम पास्ट पेपर्स को भी जरा देख लेते हैं। सबसे पहले जी 2021 का पेपर देख ले, ठीक है ना। अगर आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, मैं जरा इसको बड़ा भी कर दूं। ओके, इससे नहीं बड़ा होगा ये, ठीक है जी। 2021 का पेपर यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन नगरानो काराबाग एंड कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। फिर आप यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा है लास्ट टू डिकेड वॉज राइट टू चैलेंज लिबरल और डेमोक्रेसीज किस तरह वीक हो रही है और किस तरह इसको करना चाहिए। देन अफगानिस्तान पीस डील एंड यूएस विड्रॉल, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 न्यू प्रोविंसेस से रिलेटेड, ठीक है, यानी नगर और COVID-19 से वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह चेंज हो रहा है। ये पेपर है 2021 का। आइए मैं आपको दिखाता हूं 2021 में जो हमने बैचेस कवर किए उसके अंदर ये लेक्चर मौजूद थे या नहीं थे, ठीक है। ये मेरा 2021 का लेक्चर है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है नगरानो काराबाग का टॉपिक, अगर किसी ने उस लिया हो। इसके अंदर बकायदा मैंने आधा घंटा लगाया था सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ कश्मीर इशू में। अब अगेन पाकिस्तान है, कुछ कहेंगे बच्चे सर ये तो आप अभी भी अपलोड करके हमें दिखा सकते हैं, तो इस चीज ठीक है। तो यहां पर इसकी डेट भी आपके सामने मौजूद है, जस्ट टू प्रूव दैट वी हैव कवर्ड दीस टॉपिक्स दैट आर दैट वाज़ द पार्ट ऑफ द पेपर। फिर आपके सामने न्यू प्रोविंसेस का यहाँ पे टॉपिक नजर आ रहा है, इसको भी हमने डिटेल में कवर किया था जो कि वहां पे क्वेश्चन नंबर 5 है। इसकी भी आप व्यू डिटेल्स में चले जाएं, October 17, 2020 टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजिक वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह चेंज हो रहा है, इसी की चीज का हिस्सा है। तो आराम से 2021 में बच्चों ने, सिर्फ जिन्होंने हमारे लेक्चर्स लिए थे, जैसा मैंने आपको कहा कि यू नॉट नीड टू रीड एनी बुक एनी न्यूज़पेपर एनी मैगजीन, जस्ट टू वॉच लेक्चर्स, मेक यूर ओन नोट्स, तैयारी होगी। अच्छा जरा आगे वाले पार्ट पे चलते हैं, जरा दूसरा पेपर देखते हैं। ये है जी हमारे पास 2021 में अभी जो पेपर इसका पेपर हुआ, एसपीएससी ने लिया, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने, कुछ ही दिनों पहले फैब में हुआ है। इसको देखें जी, पहला सवाल, हाउ द कंट्रोल तालिबान इन अफगानिस्तान फॉलोइंग द मिलिट्री विड्रॉल। आपको नजर आएगा नीचे फूड एंड एनर्जी क्राइसिस, और फिर आखिरी जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, ठीक है। अगर आप मेरे रोड मैप में जाएं, आपको यहां पर ये आपको यहां पर फूड क्राइसिस नजर आ रहा है, ठीक है जी। अफगानिस्तान के ऊपर पूरा यह चीज आपको यहाँ पे अफगानिस्तान एंड तालिबान 2.0 पूरा एक लेक्चर नजर आ रहा है।
ठीक है, अगेन एक और पेपर देख लेते हैं, 2020 का पेपर है जी, ग्रे लिस्ट एंड एफएटीएफ। अगेन आप अगर ऊपर जाएं इकोनॉमी में, इंशाल्लाह वी विल गोइंग टू कवर एफएटीएफ एंड जो है वो पाकिस्तान। नेक्स्ट आ जाए जी, मेरी स्क्रीन सबको क्लियर है या नहीं है काइंडली बता दें ताकि मैं दोबारा रिपीट कर दूं। मेरी स्क्रीन सब लोगों को वॉइस का इशू है या स्क्रीन क्लियर है ये मुझे बताएं। अच्छा, स्क्रीन और वॉइस दोनों क्लियर नहीं, ठीक है। अब मेरी आवाज सबको सही आ रही है? अब स्क्रीन नजर आ रही है आप लोग? अब जरा सब लोग अपने हैंड जिन्होंने रेस किए थे वो अब नीचे कर लें, ठीक है। मैं आपको दोबारा से ये सारी चीजें जो है वो रिपीट कर देता हूं। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? पेपर्स आपको नजर आ जाएंगे, अभी सबको स्क्रीन नजर आ रही है ये बताएं। अभी स्क्रीन मैंने चेंज की ही नहीं है तो आपको कैसे नजर नहीं आएगी? स्क्रीन अब आपको नजर आ रही है? अभी सही कर लेते, कहा कि भाई तो आप 2020 का पेपर उठा लें तो 2020 में आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो एफएटीएफ ग्रे लिस्ट के ऊपर है, क्वेश्चन 4 देखें तो कश्मीर के ऊपर, क्वेश्चन 5 देखें तो इंडो पैसिफिक पॉलिसी के ऊपर है, क्वेश्चन 7 आपका जो है वो आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो अगर आप जो है वो हमारे मैप में फुल रोड मैप पे चले जाएं तो यहाँ पे आपको एफएटीएफ भी मौजूद नजर आ रहा है, इंडो पैसिफिक पॉलिसी अगेन ये पूरी भी कवर की जाती थी। आप इंडो पैसिफिक पॉलिसी को किसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम डिवाइड कर देते हैं जिसमें क्वाड है, एयू के यूएस है, इसी तरह B3 जो है वो पूरा B3W जो यूएस ने इनिशिएट किया जस्ट टू काउंटर द चाइनाज BRI, उसको हम पूरा इंशाल्लाह कवर करते हैं इसी चीज के अंदर। फिर आपको यहाँ पे क्लाइमेट चेंज नजर आ रहा है और मैंने आपको कहा भी था कि क्लाइमेट को हम इंशाल्लाह ग्लासगो जो क्लाइमेट समिट है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये जो जब जब जिस टाइम से आपको स्क्रीन नहीं शो हो रही थी या सिर्फ मेरी वॉइस आ रही थी या डिस्टॉर्शन हो रही थी तो उसके अंदर मेरा प्रूव ही यही हो रहा था कि कंप्लीट रोड मैप का फायदा यह है कि एक तो आपको स्ट्रेटजी का पता होगा कि कहां तरफ मूव करना है, और दूसरी चीज यह है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आफ्टर कवरिंग दीज 62 लेक्चर्स आप क्वेश्चन ना कर पाए, ठीक है। ऑल्दो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आफ्टर कवरिंग दीज 62 लेक्चर्स आप जो है इस चीज को पेपर के अंदर फाइनल जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाए, चारों क्वेश्चंस इन अ कॉम्प्रेहेंसिव वे के अंदर, ठीक है जी। तो ये चीज पॉइंट थी जो मैं रिपीट कर रहा था। सर 50 डेज प्लान और 62 डेज, इट इज अ 50 डेज प्लान एंड वी विल कवर 62 टॉपिक्स। काफी दफा हम एक दिन में दो लेक्चर्स भी कर लेंगे ना, जो छोटे लेक्चर्स हैं उसमें दो लेक्चर्स कर लेंगे, ठीक है। तो वो आप मुझ पर छोड़ें,
इट इज अ 50 डेज प्लान। लेक्चर्स कहां पर होंगे, किस तरह होंगे, आपको टाइम टेबल वीकली दे दिया जाएगा। लेकिन ये मैं आपको बोलता हूं कि 62 लेक्चर्स पूरे कवर होंगे। इस दौरान अगर कोई नया टॉपिक भी आ जाए तो इंशाल्लाह हम वो भी कवर करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टुमारो सेशन हमारा जो कल का इसी सीरीज का एक आखिरी जो है वो लेक्चर है, और उस लेक्चर का नाम है हम रिव्यू करने जा रहे हैं बुक का। सर आपके नोट्स में ये सब लेक्चर डिटेल में होंगे? जी नोट्स में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने ये नोट्स की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ रेडीमेड नोट्स लेने के लिए। मैं हमेशा आपको इनकरेज करता हूँ कि लेक्चर्स ने उसमें नोट करें चीजें, अपना एनालिसिस क्रिएट करें और फिर वो पेपर में जाके लिखें। ये मैं बात पहले ही कर चुका हूँ। कल का लेक्चर हमारे पास सेम टाइम है 5 PM, इंशाल्लाह हम बुक का रिव्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हमारी जो फॉर्मल क्लासेस हैं वो मार्च 1 से स्टार्ट होंगी, ठीक है। टाइमिंग का जहां तक ताल्लुक है 4:30-5 बजे के दरमियान ही क्लास होती है, लेकिन फिर भी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको इसलिए प्रोवाइड की जाती है कि टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी हो और आपको फ्लेक्सिबल चीज बता दी जाए। एज फार एज द अदर इंफॉर्मेशन इज कंसर्न रिगार्डिंग द फीस स्ट्रक्चर, स्केड्यूल, टाइमिंग, मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास मौजूद है। नहीं भी है तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर हमका मेंशन कर देता हूँ, आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार करें, इंशाल्लाह ऑल ऑफ योर क्यूरीज विल बी एड्रेस्ड, ठीक है जी। इसके अलावा किसी को और कोई क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम अब ज्यादा हो चुका है, तो आप जो है वो आप हमें मैसेज करें, इंशाल्लाह वी विल आंसर ऑल ऑफ योर क्यूरीज रिलेटेड टू द लेक्चर्स, फीस स्ट्रक्चर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी, इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम एट द सेम जूम आईडी विद द सेम पासकोड। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर जी।